यूपी में विधानसभा चुनाव के दो चरण और बचे हैं, लेकिन राजनीतिक दाव पेच जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब लड़ाई सीधे सीधे अखिलेश यादव और बाहुबली विधायक राजा भैया के बीच छिड़ गई है। कुंडा पहुंचकर अखिलेश यादव ने जिस तरह राजा भैया को ललकारा, राजा भैया के राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही, ये बात राजा भैया को नागवार गुजरी। इसके बाद उन्होंने भी पलटवार किया, लेकिन उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर वार शुरू कर दिया है। कुंडा विधानसभा सीट पर मतदान के बाद अखिलेश यादव एक वीडियो साझा कर वोटिंग को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसके बाद राजा भैया ने ट्वीट पर पलटवार करते हुए वीडियो को फेक बताया है और कहा कि यह हरियाणा का वीडियो है जो 2019 का है। राजा भैया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ राजनेता भी। उक्त वीडियो 2019 के चुनाव का हरियाणा का है, जिसे आप कुंडा का बताकर चुनाव निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं। राजनीति में इतनी घृणा भी अच्छी नहीं होती। हालांकि अखिलेश यादव अपने ट्विटर पोस्ट को लेकर खुद घिर गए। बाद में उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट भी डिलीट कर दिया है, लेकिन राजा भैया ने स्क्रीनशॉट लगाकर अपने ट्विटर अकाउंट से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। दरअसल कुंडा में पांचवें चरण में वोटिंग हुई है। प्रतापगढ़ के कुंडा को कथित तौर पर ताकतवर कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का गढ़ माना जाता है। यहां दशकों से राजा बनाम अन्य की लड़ाई चली आ रही है। इस चुनाव में यहां की लड़ाई को ठाकुर बनाम यादव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वर्षों बाद समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के पूर्व सहयोगी गुलशन यादव को चुनावी अखाड़े में उतारा है। हालांकि इस बार राजा भैया अखिलेश यादव पर भारी पड़ते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जंग सोशल मीडिया पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।